पूछा गया रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 जो था उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, उसके बारे में सही कथन कौन सा है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला एक स्टेप था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ताकि वो कंपनी की, कौन सी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफेयर्स थे उसको रेगुलेट कर पाए। हो सकता है इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के अंदर। हो सकता है इट अलाउड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड, तो यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को जो प्राइवेट ट्रेड में वो इन्वॉल्व होते थे उसके लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था, परमिशन दे दी गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रेगुलेशन एक्ट 1773 का जो था ये एक पहला स्टेप था जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था, रेगुलेशन जो था, वो कंपनी के ऊपर दिखाना शुरू किया था। तो पहली स्टेप ठीक है किस तरीके से किया था वो भी देखते हैं। हुआ क्या था, देखिए 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी इंडिया के अंदर और तब वहाँ की महारानी ने बहुत सारी फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस, मोनोपोली के राइट्स होते वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। तो 1600 से 1773 तक आप देख रहे हैं 150 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे एक ऐसी नीड फील करी गई कि अब जो है हमने 150 साल का टाइम जो है कंपनी को फ्री रन दिया, अब कुछ ना कुछ इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमारा कुछ कंट्रोल जो है वो कंपनी के ऊपर होना चाहिए। इट इज़ मोर लाइक ए स्टार्टअप, जैसे स्टार्टअप में होता है स्टार्टिंग में फंडिंग दी जाती है, उसको ग्रो करने दिया जाता है और फिर एक टाइम आता है जब आप उससे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, जो कंपनी को इंडिया में भेजा गया था वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स कमाने के लिए दिया गया था और टाइम दिया गया था कि आप अपने आप को नई जगह पे एस्टैब्लिश कर लीजिए और जब आप अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेंगे उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब टाइम है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा रेगुलेशन में लाया जाए, मतलब थोड़ा रेगुलेट किया जाए, थोड़ा कंट्रोल उसके ऊपर किया जाए। इसके थ्रू किया क्या गया, देखिए कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंट्रोल तो पहले भी था बट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो कंपनी के अंदर रहेंगे। ये जो होती है गवर्निंग बॉडी थी, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी के अंदर, जो कि क्या क्या चीज़ें बताएगी गवर्नमेंट को। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि गवर्नमेंट को बताए किसके कंसर्निंग कि रेवेन्यू कितने होने कंपनी के, ठीक है, खर्चे कितने हो रहे हैं, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर बताओ, मिलिट्री के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, सिविल के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो ये सारा काम बताना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, तो यस पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कंपनी के हुए थे तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया, ये बात भी ठीक है। बात आती है अब तीसरी कि क्या कंपनी के जो सर्वेंट्स होते, यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे, उनको अलाउ किया गया प्राइवेट ट्रेड के लिए? नहीं, देखिए यहाँ पे उनको प्रोहिबिट किया गया था कि सर्वेंट ऑफ द कंपनी जो है अगर वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, ब्राइब्स एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली कंपनी की इमेज को भी हर्ट होगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी हर्ट होगा। तो ये जो चीज़ थी पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी, प्रोहिबिट कर दी गई थी कि सर्वेंट्स जो हैं वो ना ही प्रेजेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही ब्राइब को लेंगे और ना ही किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड करेंगे नेटिव्स के साथ। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के फेजेस बता रखे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ पे रेगुलेशन करने की 1773 से, इसके बीच में एक अमेंडिंग एक्ट भी आता है 1781 में आएगा वो, उसके बारे में भी हमने एमसीक्यू बनाया, देन पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, देन वेरियस चार्टर एक्ट्स थे 1830 का, 1833, 1853 जो आगे आने वाले वीडियोज़ में वन बाय वन देखेंगे, पॉसिबल या प्रोबेबल जितने भी एमसीक्यूज यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं।